ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं लाली कोष्टा पत्रिका जबलपुर से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अब तक आपने सुना होगा कि भागवत कथा कहीं होती है तो भागवत प्रवक्ता उसका व्याख्यान करते हैं, या फिर हमारे पास भागवत की जो पुस्तक होती, ग्रंथ होता है, हम उसे अध्यापन करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हम आपको लेकर एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि भागवत कथा एक ऐसी भागवत कथा से परिचय कराने जा रहे हैं जो खुद बोलती है, वो भी आपकी भाषा में, हिंदी हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, आप जिस भाषा को पसंद करते हैं वो उसमें उनके अर्थ भी बताएगी और उनके पूरे महत्व भी बताएगी। ये अनोखी भागवत है दुनिया की जो खुद बोलती है। हालांकि हम इसे कह सकते हैं एक दूसरे तौर पर कि आधुनिकता का दौर जो है अब वो ग्रंथों में भी आने लगा है। स्वाभाविक है कि आज का युवा ग्रंथों को, मोटे ग्रंथों को पढ़ने के बजाय मोबाइल या अपने लैपटॉप पर उसको देखना या शॉर्ट में पढ़ना पसंद करता है। तो ऐसी ही एक डिजिटल, ये हमारे सामने रखी है, एक डिजिटल भागवत है, इसको आप स्पीकिंग बुक भी कह सकते हैं। ये इन दोनों मार्केट में बहुत चलन में, खासकर हम जबलपुर की बात करें तो कई घरों में ये देखने मिली है। तो हमारे पास भी एक जिज्ञासु ऐसे भागवत प्रवक्ता और जो भागवत के जो जानकार हैं या उनको जानने के लिए वाले हैं, उन्होंने लेकर दी है हमको ये, और हम उनको दिखाते हैं। तो चलिए हम खोलते हैं इसको और हम दिखाते हैं। ये देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं भगवद गीता लिखा है, टॉकिंग भगवद गीता। तो चलिए, वर्ल्ड फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, आप चलिए देखिए कितना सुंदर इसकी पैकिंग की गई है और हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भगवद गीता है, ये डिजिटल है एक्चुअली। और इसके साथ एक अच्छी बात ये है कि इसे आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, खुद भी बोलेगी और आप भी बोल सकते हैं, दोनों की सुविधा है इसमें। साथ में हमारे साथ एक डिजिटल मीटर आया है, साथ में ये जो डिजिटल मीटर है इसके अनुसार ये चलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसको पहले स्टार्ट करना होता है, ये मनोबना है, इसमें सबसे पहले ये भजन शुरू होगा, तो इसके बाद में अब अंदर हम करेंगे ना। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो मोनो और यहाँ जो बने हैं, हम जैसे यहाँ रखेंगे तो ये गीत आएगा, ये देखा आपने, सुनिए। ये भागवत कथा शुरू करने का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, शंख ध्वनि के साथ ये शुरू होती है। और अब इसके साथ ये देखिए कितना सुंदर ये वृत्तांत है, और हम इसको खोलते हैं, थोड़ा हमारे सहयोगी, हम साथ में एक मिनट हम इसको रख सकते हैं। अब ये शुरुआत करते हैं, तो हम श्री कृष्ण जी के मुख अरविंद से निकली इस कथा के लिए हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से ये काम करती है। ये देखिए किस तरह से ये हैंडल दिया गया है, तो यहाँ जब हम इसको रखेंगे तो ये देखिए जिस मोनो पे ये शंख, देखिए जितने भी इसमें मोनो बने हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं सिंबल बने हैं, इन सारे सिंबल्स पर ये सारी चीज़ें अब आपको बताएगी। जैसे अभी हम बात कर सकते हैं, ये क्लिष्ट संस्कृत है, साधारण संस्कृत नहीं है, हम इसे पढ़ने में शायद चूक जाएं, इसे कोई शास्त्र ज्ञाता ही पढ़ेगा। तो हम इसको ऐसे रख के तो ये बढ़ेगी, तो चलिए हम आगे बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ इन पेजों में हमारे सहयोगी साथी मौजूद हैं, जैसे अभी ये पहले आरती वंदना है, श्री हमारे साथ ये भी है, इसकी शुरुआत विधिवत होनी होती है, हम क्षमा चाहेंगे वहाँ से नहीं हो रही थी, श्री गणेशाय नमः। अब इसमें सबसे पहले ये आरतियाँ और वो सब हैं, इनके बाद ये कथा शुरू करते हैं। जैसे हमने गणेश जी की फ़ोटो के ऊपर रखा, आपने देखा, और इसके तत्पश्चात ये जो है देखिए कृष्ण जी की बांसुरी बनी, कृष्ण जी के साथ में ये भजन आ रहा, Thank you.
आपने देखा किस तरह से ये अभी आरती भजन के सारी चार आरतियां हैं इसमें। अब इसके बाद तत्पश्चात अब हम इसमें हम गीता ज्ञान की बात करते हैं जहाँ, तो आप कर सकते हैं इसको। देखिए किस तरह से श्लोक खुद वाचन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जी संस्कृत में जब बोला है इन्होंने, तो जिसके जो नीचे अर्थ है, जैसे हम कोई नहीं पढ़ सकते, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नहीं पढ़ सकते, तब उनके लिए भी ये देखिए धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, ये देखिए आप उनका अर्थ भी बताएं। युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो ये आगे जितने भी श्लोक हैं 18 अध्यायों की बात करें, और एक एक श्लोक, सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि ये एक एक श्लोक के साथ में उसका अर्थ भी बताएगी और साथ में इसका इंग्लिश रीडिंग भी बताएगी। और इसको चलाने का एक तरीका है, जैसे आपने ये हमने थोड़ा सा टच किया यहाँ पे, और इसके बाद ये ऑटोमेटिक पूरी रीड कर देता है। तो देखिए कितना सुंदर है। चलिए हम और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये देखिए अब ये कृष्ण जी जैसे हम इस अर्जुन को दे रहे हैं इस अम्बेवम, देखिए आपने किस तरह से हम ये अगले अर्जुन उपवाच पर आए हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे जब, तो इसकी एक खासियत अच्छी है ये कि इसकी कीमत की बात करी जाए, तो हमने कुछ लोगों जानकारों से पता किया तो ये अलग अलग कीमतों में आती हैं। यहाँ पे आप आपके घर की बात करें तो एक स्मार्टफोन की कीमत पर ये उपलब्ध है बाज़ार में, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है। और सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि हम मोबाइल लेकर कहीं ना कहीं बच्चों को संस्कार से दूर करते हैं, और ये संस्कार के करीब लाने की चीज़ है। और श्री कृष्ण के जो भागवत है, मुखारविंद से निकले जो वाणी है, एक एक शब्द श्लोक है, उसका एक ही उद्देश्य रहा है, वो जीवन की हर समस्या और हर सफलता के राज बताती है, और यही भागवत गीता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के जिस तरह से वचनों को सुनकर लोग आज भी देश विदेश में शांति की बात कर रहे हैं, या मन है शांति, आत्म शांति, आत्म संतुष्टि और मोक्ष मार्ग की बात है, तो वो यहीं से होकर गुजरता है। मनु को भी भागवत कथा से ही मोक्ष मिला था, और अर्जुन को भी अपने परायों और नीति, राजनीति, साथ में धर्म कर्म की शिक्षा भी यहीं से मिली थी। तो आपने देखा किस तरह से मेरे साथ में ये एक डिजिटल ऐसी प्लेटफॉर्म है, आज की तारीख में हम बात करें तो जहाँ एक स्मार्टफोन हर घर में दो दो तीन तीन रहते हैं, तो एक स्मार्टफोन ना सही, लेकिन ये डिजिटल जो भागवत आई है, अन्य ग्रंथ भी मौजूद हैं बाज़ार में, लेकिन फिलहाल पर ये जो हमारे पास जो आई है ये भागवत गीता है, भगवद गीता है। इसका लिखा है रीडिंग पेन स्टेशन स्पेलिंग फील्ड है, और इसकी अच्छी बात है संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इस खासियत है ये इस शहर में, फिलहाल में जबलपुर में बात करें तो लगभग मैंने अभी कुछ दिनों से मैं ये देख रहा था, पिछले 10 दिनों में मैंने देखा, मुझे 20 से 25 लोग ऐसे मिले जो इसे बुलवाया है। सब शहर में इन दिनों ये प्रचलित हो रही है, और सबसे बड़ी बात कुछ भागवताचार्य भी इसे प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोग पढ़ नहीं सकते हैं संस्कृत, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती, संस्कृत सब कोई नहीं पढ़ पाते हैं, खासकर यंगस्टर्स जो हैं वो खासकर संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए इस तरह के ग्रंथों का आना कहीं ना कहीं
उन्हें धर्म अध्यात्म से जोड़ना है और भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, और वो अच्छी चीज़ों को आत्मसात कर सकेंगे, दुखों से दरिद्रों से दूर रहेंगे, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो ज्ञान की बातें करेंगे। तो चलिए इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आपको हमारा ये स्पेशल लाइव कैसा लगा जरूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में कोशिश करें कि हम किसी भी तरह के ग्रंथों को अपने घर में बच्चों को पढ़ाएं और सुनाएं, ताकि वे अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहें। नमस्कार।